हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो व्हाट आवर एनवायरनमेंट में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिया है। अब हम आज की वीडियो में हम लोग वाटर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ वाटर भी जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आवर एनवायरनमेंट पार्ट फर्स्ट में। आज हम लोग पार्ट सेकेंड स्टार्ट करने हैं, जिसमें हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि वाटर जो है वो हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और एनवायरनमेंट में वाटर किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वाटर अलोंग विद एयर, वाटर इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड। तो जैसे कि हवा, हवा के बिना हम ब्रीद नहीं कर सकते। हवा में बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, तो हवा की वजह से हम ब्रीद कर पाते हैं, हम जो सांस ले पाते हैं वो हवा की वजह से। सिमिलरली जो वाटर होता है, पानी, जो जल होता है, वो भी हमारे ह्यूमन बींग्स के, मैनकाइंड के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। वाटर एग्जिस्ट अबव द अर्थ सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, फॉग, ड्यू एंड ऑल्सो बिलो द अर्थ सर्फेस। तो वाटर जो है हमारे अर्थ में, जैसे कि 75% जो हमारा अर्थ होता है वो वाटर से कवर होता है, ठीक है। तो वाटर है वो हमारे जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, धरती के नीचे भी होता है, धरती के नीचे भी प्रेजेंट है और धरती के ऊपर भी प्रेजेंट है। तो धरती के ऊपर जो प्रेजेंट है वो है बादलों के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फॉग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ड्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जबकि अर्थ सरफेस के नीचे, धरती के नीचे जो पानी, जो वाटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग अपने घर में टैप में नल से जो हम लोग उसको लेते हैं, तो वो सारी जो पानी है, ये जो पानी जो हमारे घरों में आता है, नलों में, टैप में, तो वो आता है धरती के नीचे से, बिलो द अर्थ सरफेस। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे हवा, खाना या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, सिमिलरली जो वाटर होता है वो भी हमको एनवायरनमेंट से ही मिलता है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, आवश्यक है। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो जैसे कि हम लोग सबको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो उसी में वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो होता है 2 और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1, जैसा कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ना अकरेंस ऑफ वाटर, वाटर कैन बी फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम एनवायरनमेंट से हमको वाटर मिलता है, तो वाटर जो है अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। और डिफरेंट पार्ट्स में और भी बहुत सारे डिफरेंट वाटर बॉडीज हमारे एनवायरनमेंट में है, हमारे आसपास हैं एटमॉस्फेयर में, लाइक ओशन हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया। तो ये सारी चीज़ों से हमको क्या मिलता है, पानी मिलता है, वाटर मिलता है, दे आर ओशंस। देखते हैं ओशंस क्या है। तो ओशन सबने देखा होगा, जो समुद्र होता है हम लोगों ने देखा कितना ही बड़ी उसकी जो वाटर बॉडी होती है, जो कि ओशन जिसको बोला जाता है, समुद्र बोला जाता है, तो उसमें बहुत सारा पानी होता है, जो कि लार्जेस्ट वाटर बॉडी होती है, जिसमें से हम लोगों को क्या मिलता है, पानी मिलता है, ठीक है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से अर्थ सरफेस पे जो वाटर मिलता है उसमें क्या क्या आते हैं, तो उसमें आते हैं हमारे ओशंस आते हैं, सीज, रिवर्स, लेक्स, दे अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ द वाटर कंटेंट ऑन प्लैनेट अर्थ। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो अर्थ पे 75% जो होता है वो वाटर प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से हमारे जो अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, वो 3/4 वाटर से कवर होता है।
तो ओशन का जो वाटर होता है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? सी वाटर हैज डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। तो जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सी ऐसी गंदगी होती है जो कि उसमें मिली होती है, घुली हुई होती है। सी वाटर में, समुद्र के पानी में, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इंक्लूड अनवॉन्टेड मिनरल सॉल्ट एंड डिजॉल्व गैसेस। और ये जो घुली हुई, जो गंदगी जो हमारे समुद्र के पानी में मिलती है, सी वाटर में मिलती है, ये कोई अनवॉन्टेड मिनरल्स हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, डिसॉल्व गैसेस हो सकता है जो कि हमें हार्मफुल करते हैं। तो इसलिए जो ओशन का जो पानी होता है, जो रिवर का जो सी वाटर होता है, वो हम लोग डायरेक्टली पी नहीं सकते, अपने यूज में नहीं ला सकते। रिवर वाटर हैज सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इंक्लूड क्ले, मड, ग्रेवल, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो रिवर वाटर के जो इम्प्योरिटीज होती है वो कैसी होती है? सस्पेंड। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का मतलब होता है अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज, मतलब जो कि पानी में घुली हुई नहीं होती है, जिसको हम इजली जो है उसको हम लोग रिवर वाटर से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो समुद्र का पानी होता है उसके में जो गंदगी होती है वो पानी में घुली हुई होती है, जबकि जो नदी का पानी होता है, जो रिवर वाटर होता है, उसमें जो गंदगी होती है वो सस्पेंडेड होती है, मतलब अनडिजॉल्व होती है, जिसको हम इजली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से रिवर वाटर को हम उसको प्योर करके, उसके जो गंदगी है उसको छान के, साफ करके हम उसको यूज कर लेते हैं। और ये जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ये कौन कौन से हो सकते हैं? मिट्टी हो सकते हैं, कीचड़ हो सकता है, ठीक है, स्टोन्स हो सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, जिनको हम रिवर वाटर में इजिली देख सकते हैं और इनको अलग भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्लाउड्स एंड रेन। जो क्लाउड और रेन जो होते हैं ये भी हमको वाटर प्रोवाइड करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। द वाटर फ्रॉम क्लाउड एंड रेन इज डिराइव फ्रॉम द वाटर साइकिल इटसेल्फ। तो जो क्लाउड्स में जो बनते हैं, ठीक है, और जो रेन होती है, जो बारिश होती है, वो होती है एक पर्टिकुलर वाटर साइकिल के बाद में। वाटर साइकिल भी हम लोगों जो है वो इसको पढ़ेंगे आगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो क्लाउड बनते हैं, जो रेन होती है, तो ये होती है बाय अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल में के द्वारा ही जो क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है, और उससे भी हमको वाटर मिलता है हमारे इन्वायरमेंट से। द वाटर विच इज अवेलेबल फ्रॉम द रेन कंटेन्स डिजॉल्व गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फर्स्ट सावर्स। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, तो ऐसे इसलिए बोलते हैं कि जो पहली बारिश होती है उसमें जो गैसेस, जो डिजॉल्व गैसेस होती है, उनकी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो एसिड्स भी होते हैं, ठीक है, जो उसमें जो पहली बारिश होती है उसमें बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं और एसिड भी प्रेजेंट होता है, जिसको एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है, तो जो पहली बारिश होती है उसमें नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो गैसेस जो होते हैं वो डिजॉल्व गैसेस जो होते हैं उनकी अमाउंट बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि हमें हार्मफुल कर सकती है। नेक्स्ट जो वाटर बॉडी है वो होती है ग्लेशियर्स एंड स्नो, जहाँ से हमको वाटर मिलता है। दे अकाउंट फॉर 2% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे सप्लाई 98% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। सो ग्लेशियर्स आर इसेंशियल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। तो जो ग्लेशियर्स जो होते हैं, जो स्नो होते हैं, वो 98% जो है हमारे अर्थ को फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं, फ्रेश वाटर देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो अर्थ पे जो हमारी लाइफ है, जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं, बिकॉज ग्लेशियर्स हमें 98% फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं अर्थ, प्लैनेट अर्थ पे, जिससे ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ की जो सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा उस पे, वाटर पे डिपेंड करती है। इसलिए ग्लेशियर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा
मोर फैक्ट्स अबाउट द हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। तो कुछ यहाँ पे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हमें जानना जरूरी होता है कि जो वाटर है, जो वाटर का इम्पोर्टेंट जो रोल है वो हमारी लाइफ को अर्थ पे, हमारे जो जीवन है उसको धरती पे कायम रखने के लिए उसका जो वाटर का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वहाँ, उसके कुछ है यहाँ पे फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं। तो देखते हैं वो फैक्ट्स क्या हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज अ वाटर कंटेंट ऑफ 70%। तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है वहां पे जो वाटर कंटेंट जो प्रेजेंट है वो है 70% वाटर प्रेजेंट होती है। एंड अ लॉस ऑफ इवन 2% ऑफ दिस वाटर कैन बी हार्मफुल टू लाइफ एंड लीड्स टू कंप्लीट मेमोरी लॉस। और क्या होता है कि जब अगर हमारी बॉडी से 2% भी वाटर अगर रिलीज हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर काम नहीं करती है और हमारे जो मेमोरी है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर जो है वो ह्यूमन बॉडी के लाइफ के लिए कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डाइट हैज अ वाटर कंटेंट ऑफ 75 to 80%, विच मेक्स द वॉटर वेरी इसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स ऑन अर्थ। इसीलिए बोला जाता है कि जो फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, वो हमको ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए, बिकॉज जो फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें जो वॉटर कंटेंट प्रेजेंट होता है वो होता है अबाउट 75 to 80%। और हमारी बॉडी को कितना वॉटर चाहिए होता है? अबाउट 70% वॉटर चाहिए होता है। तो जो ये फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स हैं, अगेन हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, इनको अपनी डाइट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरह इसको खाना चाहिए, डेली लाइफ में यूज करना चाहिए, विच मेक्स द वाटर वेरी इसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स ऑन अर्थ। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके लिए जो वाटर होता है बहुत ही ज्यादा अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए इसेंशियल होता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा टॉपिक वाटर साइकिल, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, रेन कैसे बनते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। वाटर साइकिल कैन बी डिफाइंड एज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस टू द एटमोसफेयर एंड देन बैक टू द अर्थ अगेन। तो वाटर साइकिल को अगर हम सिंपली समझना चाहें तो यहाँ पे इसका मीनिंग यही होता है कि अर्थ सर्फेस से जो वाटर जाता है एटमोसफेयर में, फिर एटमोसफेयर से वापस अर्थ पे आता है, पृथ्वी से जाता है आसमान की तरफ एटमॉस्फेयर में, एंड वापस जब रेन होती है तो आसमान से पृथ्वी की तरफ आता है। तो ये जो सर्कुलेशन होता है वाटर का फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक अगेन ऑन द अर्थ, तो इस सर्कुलेशन ऑफ वाटर को बोलते हैं वाटर साइकिल। यहाँ आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है, ये है हमारा ग्राउंड वाटर जो कि धरती के नीचे होता है, एंड देन जब गर्मी होती है तो जो जो धरती का जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर जाता है, आसमान में जाता है, एवोपोरेशन फ्रॉम ओशंस एंड लेक्स एंड स्ट्रीम्स। तो जितने वाटर बॉडीज होती है उनका एवोपोरेशन होता है, एवोपोरेशन होने के बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस में क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, जो एक्सेस वाटर जो वो अपनी लीव से लूज करते हैं, तो वो वाटर भी अगेन कहाँ जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, एंड देन कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, एंड देन क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स जब बनते हैं उसके बाद फिर बारिश होती है, बारिश होके फिर से वो जो वाटर है फिर से हमारे ग्राउंड वाटर बनता है, एंड देन ऐसे ही साइकिल चलती रहती है जिसको बोलते हैं वाटर साइकिल। दिस वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ एंड दिस मेंटेन्स द एसेंशियल बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर द अर्थ टू बी फुल ऑफ लाइफ। तो ये जो वाटर साइकिल है ये हमारे अर्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और ये वाटर साइकिल की वजह से जो हमारे अर्थ पे जो वाटर का
जो भी मेंटेनेंस है, जो वाटर का जो साइकिल प्रोसेस है, ठीक है, ये मेंटेन रहती है थ्रू वाटर साइकिल, वाटर साइकिल के द्वारा मेंटेन रहती है। इस तरीके से जो हमारा जो वाटर साइकिल है वो हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, अर्थ की लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जब बारिश होती है, जब रेन होता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, रेन वाटर को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, एंड देन हार्वेस्ट करते हैं, एंड देन उसको यूज करते हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद उसका जो जो रेन होता है वो तो इम्प्योर वाटर होता है, जो कि सबको पता है, ठीक है। तो उसको हम यूज करने से पहले क्या करते हैं कि उस इम्प्योर वाटर, जो इम्प्योर रेन वाटर है, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, एंड देन हम उसको अपने यूज में लाते हैं। तो देखते हैं कि प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इज जनरली डन बाई पासिंग द वाटर थ्रू थ्री टैंक्स, दे आर। तो जो प्यूरिफिकेशन होता है, जो रेन वाटर का, जो नेचुरल वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं हम लोग फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग थ्री टैंक्स में करते हैं। और ये थ्री टैंक्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है हमारा सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। तो यहाँ पे सारा पानी आके इकट्ठा होता है रेन वाटर का, एंड देन इसको फर्दर पास होता है फिल्टर टैंक में, जहाँ पे वाटर का फिल्टरेशन प्रोसेस होती है, एंड फर्दर ये ट्रांसफर होता है क्लोरिनेशन टैंक में, जहाँ पे जो क्लोरीन है, जो कि वाटर में डाला जाता है, जिससे जो उसकी इम्प्योरिटीज होती हैं, डिजोल्व इम्प्योरिटीज जो होती हैं, वो भी वहां से हट जाती हैं जब हम उसका क्लोरिनेशन करते हैं, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर करते हैं। एंड फर्दर जब हमारा पानी यहाँ पे प्योरीफाई हो जाता है, तो इसको हम फर्दर प्योर ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं। तो यही प्रोसेस होती है प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर वाटर की, जिसमें थ्री टैंक्स यूज होते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक, फिल्टर टैंक एंड क्लोरिनेशन टैंक। नाउ नेक्स्ट, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो अभी हम लोगों ने देखा, तो वो तो था कि वाटर जो हम लोग को क्लाउड से मिला, जो कि अर्थ अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ जो हमारी धरती के ऊपर जो पानी प्रेजेंट था उसको हम लोगों ने प्यूरिफाई करके यूज किया। अब हम बात करेंगे उस वाटर की जो हमारे धरती के नीचे है, और उसको भी हमें प्यूरिफाई करके अपने यूज में लाना। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों, क्योंकि जो सी वाटर होता है उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो डिजोल्व होती हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, एक्चुअली जो उसका प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो टफ होती है, और उसके लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं वो होती है बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो देखते हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसे होता है। इम्प्योर सी वाटर इज एडेड टू द फ्लास्क ऑफ द अपैरेटस। तो किसी भी एक हम फ्लास्क ले लेंगे, ठीक है, उसमें हम इम्प्योर सी वाटर को डालेंगे। ऑन हीटिंग द फ्लास्क द प्योर वाटर एवापोरेट्स एंड द वेपर्स कंडेंस बाय द पासेस थ्रू द कंडेंसर। जब हम उसको फ्लास्क को हीट करेंगे तो जो प्योर वाटर होगा वो एवापोरेट होगा, ठीक है, जो प्योर वाटर होगा वो एवोपोरेट होगा, एंड उसके जो वेपर्स होंगे, जो भाप जो बनेगी, वो फर्दर जाके एक कंडेंसर में से ट्रांसफर होगी, कंडेंसर से ट्रांसफर होगी दूसरे फ्लास्क में, जहाँ पे वहां पे हमारा प्योर वाटर इकट्ठा होगा। द कंडेंस्ड वाटर इज रिसीव्ड ऑन द स्मॉलर फ्लास्क। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ये स्मॉलर फ्लास्क में हमारा जो प्योर वाटर है, जो कि एवोपोरेट हो गया था हीट करने पे, वो सारा आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से जो सी वाटर का हम प्योरिफिकेशन करके हम उसको भी अपने यूज में लाते हैं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में। तो जो वाटर की, जो पानी की जो प्रॉपर्टीज होती है, विशेषताएं होती है, वो कौन कौन सी होती है। कलर, वाटर इज अ कलरलेस लिक्विड, ये बात तो सबको पता है कि वाटर कैसे होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डर, वाटर इज एन ऑर्डरलेस लिक्विड, वाटर में कोई भी स्मेल नहीं होती, सुगंध नहीं होती, वाटर एक ऑर्डरलेस लिक्विड होता है। स्टेट, वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, आइस जिसका एग्जाम्पल है सॉलिड, ठीक है, सॉरी सॉलिड का एग्जाम्पल है आइस। वाटर जो होता है वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का एग्जाम्पल है आइस, लिक्विड का एग्जाम्पल है वाटर, और गैस का एग्जाम्पल है वाटर वेपर।
बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एट 760 mm प्रेशर। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 760 mm प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस एट 760 mm प्रेशर, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, क्या कौन कौन सी, कलर, ऑर्डर, स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो वाटर की प्रॉपर्टीज है वो है कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, थर्मल। वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो वाटर होता है वो कैसा होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कूलिंग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो उसमें जो हीट का जो कंडक्टिविटी होता है, जो हीट की जो संचालन होता है वो नहीं होता है। तो इस तरीके से जो वाटर होता है वो हीट के लिए बैड कंडक्टर होता है, जबकि सॉरी एंड जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जो वाटर होता है वो भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। इस तरीके से जो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर होती है थर्मल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, दोनों के लिए ही बैड कंडक्टिविटी होती है। नाउ टेस्ट फॉर वाटर। तो जो वाटर के लिए जो टेस्ट होते हैं वो टू टाइप्स के हैं, फिजिकल टेस्ट है और केमिकल टेस्ट है। अब हम देखते हैं कि फिजिकल टेस्ट में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं और केमिकल टेस्ट में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं। तो फिजिकल टेस्ट में द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर आर टेकन एज द फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में हम वाटर का बॉइलिंग जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, वाटर इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर को लिया, इट इज हीटेड और पुट ऑन क्रस्ट आइस, ठीक है। और हमको इस जो टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने जो पानी लिया उसको हम लोग हीट करेंगे और फर्दर उसको एक क्रस्ट आइस पे रख देते हैं। द वॉटर इज हीटेड अंटिल इट फॉर्म्स स्टीम और कूल्ड अंटिल इट फॉर्म आइस। और वॉटर को जब तक हम हीट करेंगे जब तक वो स्टीम में नहीं बदल जाता, स्टीम नहीं बनाने लगता, और हम उसको वॉटर को तब तक कूल करेंगे जब तक उसमें आइस नहीं बन जाती। द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज नोटेड। तो हम उसका जो टेम्परेचर जो नोट करेंगे उस टाइम पे जो रीडिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे हमको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मिलेगा। दस वी बिकम श्योर दैट इट इज अ वॉटर बाय सीइंग द टेम्परेचर्स, ठीक है। तो हम जब ये प्रोसेस करने के बाद, फिजिकल टेस्ट करने के बाद, हम देखेंगे कि हम जो हमारा जो वॉटर है वो कैसा है, वो प्योर है, और जो कि हम लोगों ने टेम्परेचर पे उसको देखा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारी अगर 100 डिग्री सेल्सियस आएगी तो हमारा जो वाटर है वो कैसा है, वो प्योर है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस आएगी तब हम समझेंगे कि हाँ जो हमारा जो वाटर का जो फिजिकल टेस्ट है वो करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट जो टेस्ट वो करते हैं हम वाटर का वो है हमारा केमिकल टेस्ट। वाटर टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू इज द केमिकल टेस्ट, ठीक है। तो जो वाटर का जो केमिकल टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं, और जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हमारा जो होगा वो अगर ब्लू हो जाता है तो हमारा जो वाटर का जो केमिकल टेस्ट होता है वो कंप्लीट होता है। तो इसका जो टेस्ट होता है उसमें हम सॉल्युबिलिटी का टेस्ट करते हैं, वाटर के सॉल्युबिलिटी का टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे करते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इन वाटर इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या होता है कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो उसमें जो सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो वाटर में जो सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। लिक्विड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। और ऐसे लिक्विड्स जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, बहुत बार कैसे होते हैं कि लिक्विड जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी वाटर में घुली हुई होती हैं, और ऐसे जो लिक्विड्स जो होते हैं जो कि वाटर के साथ सॉल्युबल जो घुल जाते हैं ऐसे लिक्विड को बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ वाटर। तो जो सॉल्युबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वाटर की, ठीक है, तो उसमें वहां पे क्या होता है कि जो
जो गैसेस के जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, जब हम वाटर का जो टेम्परेचर रेज करेंगे तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर की डिक्रीज होती है, जबकि जो प्रेशर जब हम इसका जो इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वाटर का जब हम वाटर का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैसेज है वो भी इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। तो जैसा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर की, तो हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कम होगी, क्योंकि यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड जैसे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को बढ़ाएंगे तो हमारा जो वाटर का जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी के साथ हमारा वाटर का टॉपिक कंप्लीट होता है। अवर इन्वायरमेंट जो चैप्टर है था क्लास 6 का, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट जो चैप्टर जो भी मैं पढ़ाऊंगी या डिस्कशन करूंगी उसके आपके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।